नेक्स्ट आपको याद कराया जा रहा है यहाँ पर ये है ए ब्लॉक एलिमेंट्स। आप क्या याद करेंगे आप लोग यहाँ पर ए ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। आपके पास पीरियड टेबल है, लाइए ये एक पीरियड टेबल है, ठीक है। इसमें से आप पहले एस ब्लॉक याद कर चुके हैं, ठीक है। फिर आपने याद किया यहाँ पर पी ब्लॉक, और अभी आपने थोड़ी देर पहले याद किया यहाँ पर डी ब्लॉक, और अब क्या याद कराया जाएगा आपको ए ब्लॉक, ठीक है। आप सोचिए 9th, 10th, 11th, 12th, ठीक है। 9th पास हो गए आप, 10th पास हो गए, 11th पास हो गए, और 12th में आ गए, और 12th पास हो जाने के बाद ड्रॉपर बेच में भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको पूरे पीरियड टेबल याद नहीं, क्लियर है। जनरली क्या होता है, हम लोग एस ब्लॉक देखते हैं, पी ब्लॉक देखते हैं, और डी ब्लॉक भी देखते हैं, लेकिन ए ब्लॉक की ओर कभी भी ध्यान नहीं देते और ना कभी उनको याद करने का प्रयास करते। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो आपका ए ब्लॉक आपको बहुत इजी से जल्दी जल्दी याद हो जाएगा, क्लियर है। अब इसमें जो सबसे इजी है उसको मैं पहले याद करा रहा हूँ। ए ब्लॉक एलिमेंट्स को हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, राइट। फर्स्ट लेंथ राइट सीरीज, देन सेकंड एक्टिनाइट। लेंथ वन के बाद जो सीरीज है ये क्या कहलाएगा आपके पास यहाँ पर लेंथ राइट सीरीज, ठीक है। और एक्टिनम के बाद जो सीरीज है ये क्या कहलाएगा आपके पास एक्टिनाइट सीरीज, ठीक है। इसमें से याद करना जो बहुत ज्यादा इजी है वो है एक्टिनाइट सीरीज, क्लियर। अभी केवल 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा, क्लियर है। केवल आप ध्यान से सुनेंगे और आपको अभी 2 मिनट में याद हो जाएगा, क्लियर। चलिए मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। आप लोग पिक्चर देखते हैं, पिक्चर में जो चौकीदार होते हैं, जो गार्ड होते हैं, जनरली वो कौन लोग होते हैं? मुझे याद आ रहा है वो नेपाली होते हैं। कौन होते हैं? नेपाली याद आया, ठीक है। जो नेपाली होते हैं जनरली उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं थापा। क्या बोलते हैं हम? थापा। याद है नेपाली लोगों का सरनेम क्या है? याद आ रहा है, क्लियर है। थापा याद आ गया, ठीक है। अब याद करना स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट ये लिखा हुआ है यहाँ पर टी एच, और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर टी हो जाएगा थापा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर थापा। और स्पेशल आप बोल सकते हैं कि हम थापा ही क्यों बोले, तो हम उसका एक रीजन बता रहे हैं। हमने आपको बताया कि जनरली थापा लोग क्या काम करते थे, तो आपने मूवी में देखा था, जो एक दो मूवी में आपने देखा वो गार्ड का काम कर रहे थे। आपने खुद बोला अभी सॉफ्ट जी करके, मीन्स आपको याद है हाँ गार्ड का काम करते थे। गार्ड जो काम करते हैं वो क्या करते हैं? वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं? आपको प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं वो? आपको प्रोटेक्ट। वो क्या करेंगे आपको यहाँ पर? प्रोटेक्ट करेंगे। क्या करेंगे वो? आपको प्रोटेक्ट करेंगे, क्लियर है। अब देखेंगे आप यहाँ पर थापा, थापा क्लियर हुआ। ये क्या हो गया आपके पास यहाँ पर? थोरियम। इसका नाम क्या है यहाँ पर? थोरियम। अब इसका नाम आप चेक कीजिए, इसका नाम है यहाँ पर प्रोटेक्टियम। इसका नाम क्या है यहाँ पर? प्रोटेक्टियम। तो इससे क्लियर हो गया कि थापा क्या करता है? हमको प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? बोलने प्रोटेक्ट करता है। क्लियर हो गया थापा क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। ये थापा कहाँ से आया है? ये कहाँ से आया है? तो ये कहाँ से आया है? यूनान से। कहाँ से आया है ये? यूनान से। कहाँ से आया है? यूनान से। यूनान से कहाँ गया वो? नेपाल। वहां से कहाँ गया वो? नेपाल। नेपाल से कहाँ गया वो? प्लूटो। नेपाल से कहाँ गया वो? प्लूटो। क्लियर है। फिर से चेक कीजिए, थापा कहाँ से आया हुआ है? यूनान से। कहाँ से आया हुआ है? यूनान से। यूनान से कहाँ गया वो? नेपाल से कहाँ गया वो? प्लूटो। राइट। प्लूटो से कहाँ गया वो? अमेरिका। प्लूटो से कहाँ गया वो? अमेरिका। राइट। अब आप चेक कीजिए वहां पर अमेरिका एम का नाम क्या लिखा हुआ, चेक कीजिए आप। क्लियर हुआ? नाम के हिसाब से आपकी स्टोरी बनती जा रही है। तो वहां से कहाँ गया वो? अमेरिका। वहां से कहाँ गया वो? अमेरिका। अमेरिका में वो क्या करता है? सीएम से मिलता है। अमेरिका में वो क्या करता है? वहां पर सीएम से मिलता है। अमेरिका में किससे मिलता है वो? वहां पर सीएम से मिलता है। समझ आ रहे? किससे मिलता है वो? सीएम से मिलता है। अमेरिका में क्या करता है? वहां पर सीएम से मिलता है। सीएम से मिलकर वो कहां जाता है? वहां पर बैंकॉक। कहां जाता है वो? वहां से बैंकॉक। कहां जाएगा वहां से? बैंकॉक। बैंकॉक से कहां जाएगा वो? कैलिफोर्निया। बैंकॉक से कहां जाएगा वो? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में उसका फ्रेंड है जिसका नाम क्या है वहां पर? आइंस्टाइन। उसका फ्रेंड का नाम क्या है? आइंस्टाइन। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। फिर से चेक करते हैं, फिर से रिवर्स करते हैं ताकि आपको वहां तक पहले याद हो जाए। सबसे फर्स्ट आप लोग जानते हैं थापा। थापा, थापा क्या काम करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्या काम करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्लियर है। ये थापा कहाँ से आया हुआ है? ये थापा आया हुआ है यूनान से। कहाँ से आया हुआ है? यूनान से। यूनान से कहाँ गया वो? नेपाल। नेपाल से कहाँ गया वो? प्लूटो। राइट। कहाँ गया वो? प्लूटो। प्लूटो में फिर देन वहां से अमेरिका गया। अमेरिका में वो सीएम से मिलता है। अमेरिका में किसे मिलता है? सीएम से मिलता है। फिर वहां से कहाँ जाता है? बैंकॉक से कहाँ जाता है? कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया में अपने फ्रेंड किसे मिलता है? आइंस्टाइन से मिलता है। फिर क्या करते हैं? फिर दोनों एफएम में गाना सुनते हैं। फिर दोनों एफएम में क्या करते हैं? गाना सुनते हैं। फिर दोनों एफएम में क्या करेंगे? गाना सुनते हैं। क्लियर है। उसके बाद ये
अपने फ्रेंड के जैसे, इसका एक फ्रेंड और है जिसका नाम क्या है मेंडर, इसका एक फ्रेंड और है जिसका नाम क्या है यहाँ पर मेंडर। अब आप इसका नाम चेक कीजिएगा, एमडी का नाम चेक कीजिए, क्या हो गया मेंडर के फ्रेंड नाम बना हुआ है, क्या नाम है इसका, क्लियर हो गया। ठीक है, एफ एम में गाना सुनते हैं, उसके बाद वो अपने फ्रेंड के समान, उनका फ्रेंड क्या है, उनके फ्रेंड कौन थे, उनके समान ही वो क्या करता है नोबल प्राइज लाता है, क्या करता है वो नोबल प्राइज लाता है, राइट। एला लारेंसियम, लास्ट में आप चेक कीजिएगा क्या नाम लिखा हुआ है, लारेंसियम लाता है, एला लाता, क्या लाता है नोबल प्राइज लाता है। आपको पता है मेंडल जो है उनको नोबल प्राइज मिला हुआ था, क्लियर है, उनको भी नोबल प्राइज मिला हुआ है, तो उसी के समान क्या करता है वो नोबल प्राइज लाता है, क्लियर है। अब आप चेक कीजिएगा सबसे फर्स्ट थापा, थापा कहाँ से आया हुआ है, यूनान से कहाँ गया, नेपाल, नेपाल से कहाँ गया प्लूटो, प्लूटो से कहाँ गया अमेरिका, अमेरिका कहाँ गया अमेरिका, अमेरिका में किससे मिलता है सीएम से मिलता है, क्लियर है। फिर सीएम से मिलकर फिर कहाँ जाएगा बैंकॉक जाता है, बैंकॉक से कहाँ जाता है कैलिफोर्निया में, क्या करता है वो आइंस्टाइन, जिनका नाम क्या उनसे मिलता है, फिर क्या करते हैं दोनों बड़े दिनों के बाद मिले हुए हैं, दोनों क्या करते हैं फिर एफ एम में, उसके बाद वो अपने फ्रेंड किसके समान, मेंडल के समान नोबल प्राइज लाता है। इस तरीके से आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के, ठीक है, एक्टिनाइड्स आपको याद हो गए, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के एक्टिनाइड्स आपको याद हो गए, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, याद हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट अब आप आ जाएंगे लैंथेनाइड सीरीज, आपको क्या याद करना है यहाँ पर, लैंथेनाइड सीरीज याद करना, क्लियर है। अब आप इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करके याद करें, ठीक है, सबसे फर्स्ट वन पार्ट हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे आपका, ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे, क्लियर है। चलिए देखते हैं आपको ये याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सीपीआर, हम एक नाम बना देते हैं सिप्रा, क्या नाम बना देते हैं सिप्रा, सिप्रा ने प्रॉमिस किया कि वो सेम को यूरोप में गॉड के दर्शन कराएगा, सिप्रा ने प्रॉमिस किया कि वो सेम को यूरोप में गॉड के दर्शन कराएंगे, हो गया ये सेंटेंस। देखिए क्या है, कुछ चीजें जो है अगर हम स्पेशल अगर ऐसा नाम टू नाम याद कर रहे हैं यहाँ पर तो इतनी इजी से आपको याद नहीं होता, लेकिन अगर आप बोलचाल की भाषा में अपने खुद का एक लैंग्वेज बनाते हो, कुछ भी लैंग्वेज बनाते हो, आपको बहुत जल्दी से याद हो जाता है, आपको याद हो गया, क्या याद हुआ, आप ये नहीं देख रहे हो तो भी आपको याद हो गया, क्या याद हो गया सिप्रा ने, ठीक है, सिप्रा ने नाम याद हो गया, ठीक है। आप चेक कीजिए कहाँ से आए हैं आपको, मतलब प्रॉमिस, तो सिप्रा ने प्रॉमिस किया कि वो सेम को यूरोप में दर्शन कराएंगे, क्लियर है। कौन प्रॉमिस किया, किससे प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस किया, यूरोप में लौट के दर्शन कराएंगे, याद हो गया। आप इसको रिवर्स मारो, कौन प्रॉमिस किया, सिप्रा ने, किससे प्रॉमिस किया, क्यों प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस किया, आप खुद से इमेजिन करो, आपको याद हो गया, क्या याद हुआ, सिप्रा ने प्रॉमिस किया कि वो सेम को यूरोप में गॉड के दर्शन कराएंगे, क्लियर है, आपको याद हो। आप इसको क्या करो एक बार 1-2-3 टाइम्स फिर से क्या करेंगे, आप राइट डाउन करेंगे, लिखना चालू करेंगे, जब आप इसको लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक उसका साइन याद हो जाएगा। आप लोग मोबाइल से क्या करते हो, मैसेज लिखते हो, क्लियर है, मैसेज कैसे लिखते हो आप, कल आप मिलना, तो कोई उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करते, फटाफट आप लिखते जाते हो कल आप मिलना, ऐसे तो लिखते हो ना, उसी तरीके से आप सोच के चलिए, ठीक है। चलिए ये फर्स्ट स्टोरी यहाँ तक सेंटेंस आपको याद हो गया, नेक्स्ट इसको हम टू पार्ट में डिवाइड किए थे, अभी आपको बताया गया था, ठीक है। अब इसका क्या बना देते हैं हम यहाँ पर, डी यू आई मतलब डाई हो रहा है, ए जो मतलब होल हो रहा है, इंजीनियर को शॉर्टकट में ई आर लिखा जाता है, ये ई आर लिखा हुआ है, ER मतलब शॉर्टकट में क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इंजीनियर हो जाएगा, ऐसा मान सकते हैं, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, ठीक है। T मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तैर कर, क्या हो जाएगा, तैर कर, डाई मर कर या होल करके, तैर कर, डाई मर कर या होल करके, होल करके, इंजीनियर, इंजीनियर तुमको, तुमको यहाँ वायर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ लूटी लेगा, क्या कर लेगा, लूटी लेगा, इंजीनियर तुमको किसी भी तरीके से लूट लेगा, आप कितने भी बचना चाहो, बचते रहो बचते रहो, लेकिन इंजीनियर तुमको किसी भी तरीके से लूट लेगा, कैसे लूट लेगा, डाई मार कर या होल करके, इंजीनियर तुमको यहाँ क्या करेगा, इस तरीके से आपको ये याद हो गया, क्लियर है। इस तरीके से आप एफ ब्लॉक एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है, लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज जो है, आप याद आएंगे, ठीक है।